ਇਹ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਸੌ ਗਏ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ छे और मैं उठ के रेडी शेडी हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप साहब? उम्मीद करता हूँ फिटफाट होंगे, खैरियत होंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह उठ के मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ सियालकोट। तो सियालकोट किस काम के लिए जा रहा हूँ, किस काम के लिए, किस में? हाँ, सियालकोट इस काम के लिए जा रहा हूँ कि मेरे दोस्त के भाई की शादी है और इसने मुझे बोला है कि भाई को तैयार करना है। तो सुबह सुबह हम निकलेंगे, तकरीबन 8 साढ़े 8 पहुँचेंगे तो फिर ही तैयारी शुरू होगी। तो आज हम विज़िट करवाएंगे आपको सियालकोट समड़ियाल। आज की वीडियो बड़े ही मज़े की होने वाली है, तो हमारे साथ रहिए। आपको इंशाल्लाह आज बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो का। आपको तैयारी श्यारी भी दिखानी है और विज़िट भी करवाना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आप देख सकते हो कि अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लोग आ जा रहे हैं नमाज के लिए मस्जिदों में। तो मैंने चूँकि जल्दी जाना था तो मैंने घर में ही पढ़ ली नमाज। तो अभी काफ़ी अंधेरा है, पहले जाना है शॉप पर, शॉप से सामान वगैरह लेना है। ये बैग मैंने लिया है, इसमें सामान डालना है। तो मिलते हैं शॉप पे जाके। सर जी, सुबह हो रही है अभी तो काफ़ी, अभी तो काफ़ी अंधेरा है, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं काफ़ी जल्दी निकल आया हूँ? तो बाकी खैर, अभी मैं निकल आया हूँ तो अभी कुछ नहीं किया जा सकता। तो अपने बाल भी मैंने बना लिए, सेट सेट हो गए हैं, तो अभी निकलते हैं सफ़र की तरफ। देखते हुए मुझे गड्डी शड्डी कोई नहीं मिल रही, मैं काफ़ी देर से इधर खज्जल हो रहा हूँ। ये मेरा सामान पड़ा हुआ है, तो गाड़ी शाड़ी कोई नहीं आ रही, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ से वज़ीराबाद तक रिक्शे पे जाना पड़ेगा और फिर मुझे गाड़ी बदलनी पड़ेगी। और तो मैंने हाफ साहब से लेनी है जैकेट, तो जैकेट चेंज करनी है मैंने। तो ये किसी कॉलोनी में होना, मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन कोई कॉलोनी है। की ये दाल बना रहे हैं? भाई ने ना जैकेट बहुत गंदी कर चढ़ी है, बड़ी गंदी जैकेट है ना, की थी मैं को नहीं चेंज की थी है, लेट भी करा चढ़ा है ना बखरा मैनू। तो फाइनली काफ़ी खज्जल ख़राब होने के बाद मुझे दोबारा से रिक्शा मिल गया है। मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ इस टाइम, किस्मत भी ख़राब है तो उन्होंने रिक्शा भी ख़राब है। चलो जी, फिर रिक्शा चेंज। अभी मैंने काफ़ी ख़वार होना है, तो अभी मैं अपनी वीडियो है जो सियालकोट जाके ही बनाऊंगा समड़ियाल में, ठीक है? अभी रास्ता ही दिखाएंगे आपको। हाँ जी सर, तो समड़ियाल सियालकोट में मैं आ चुका हूँ। अभी मेरा दोस्त मुझे लेने आएगा, फिर हम उधर चलते हैं और जाके, मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, जाके सिर्फ तैयारी शुरू करनी है अभी, ठीक है? देख, ओए जी, खुरम भाई कह रहे हैं कि बड़ा ज्यादा ही लेट हो गए हैं, तो हूँ दबा दब गड्डी भजाई जा रहे हैं। हाँ जी
सर जी खुरम भाई के गांव पहुंच गए हैं, देख सकते हैं काफी पतली पतली गलियां हैं। इधर ही जाना है। बैठक के अंदर असी जड़ा ना मुंडा तैयार करना है। खत पहले ही करवा लिया, मैनु घर दिया इन्ना मैनु अगे चाड़िया है कि मैं खत करवाना पिया, फिर हुण खासा चलो करवाया ने, बाकी की तैयारी हुण असीं करांगे इन्हां दी। जी ब्रदर आ जाए अंदर आ जाए। हाँ जी सर, तो यार काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो गया था, तो तैयारी की सिर्फ थोड़ी बहुत ही वीडियो बनी है अभी, जब बनेंगे तो तभी वो मेकअप वाली तैयारी अभी दिखा पाएंगे, तो अभी फ़िलहाल वीडियो नहीं बनी। तो हाँ जी, तो देख सकते हैं आप काफ़ी गंद डाला है हमने, तो यारा कोई समझ नहीं आई क्या हुआ, इतनी जल्दी थी कि कोई काम अच्छे से नहीं हुआ, जो हो सके आपको दिखा दिया, ठीक है। तो मैंने सुबह कभी तक नाश्ता भी नहीं किया, इतना टाइम भी नहीं मिला कि नाश्ता कर लूँ। तो सर जी आपकी वीडियो के लिए मैं इतनी सुबह सुबह उठा हूँ, इतनी स्ट्रगल की है, धक्के खाए, ख्वार हुआ, इधर आया, इधर आके जितनी तैयारी हो सकती थी आपको दिखाई है, तो जो है थी यही है। तो अभी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कल वलीमे का व्लॉग, तब तक मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।